नमस्कार दोस्तों, रेल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेल न्यूज़ लेके आपके पास। पिछले संडे को रेल न्यूज़ नहीं आ पाई, सो सॉरी दोस्तों, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लें, ताकि आपसे एक भी रेल न्यूज़ की वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम है 50, उम्मीद करता हूँ आप इसे ज़रूर पूरा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले रेल न्यूज़ की तरफ। धनबाद से गिरिडीह के बीच रेल नेटवर्क तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। रेलवे ने दोनों जिलों के बीच रेल लाइन बिछाने की योजना तैयार की है। इस योजना पर 1600 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें से 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दे दी गई है। दूसरे रेल न्यूज की बात करें तो दोस्तों, रेल यात्रा के दौरान खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के लिए तैयार किए गए भारतीय रेलवे के विस्टाडोम कोचों को मुंबई पुणे मुंबई गोवा रूटों पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। 3 महीनों में 20,000 से ज़्यादा यात्रियों ने विस्टाडोम कोच के जरिए सफ़र किया। अगर आप सफ़र किए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर कर सकते हैं हमारे कॉमेंट बॉक्स में जाकर। हमारी अगली न्यूज़ है दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भारतीय रेल के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दे रही है। रेल लाइनों के कुल विद्युतीकरण का 34% कार्य पिछले 3 वर्षों में पूरा किया गया है। और दोस्तों, आपको पता होगा हमारे YouTube चैनल पे डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन वीडियो भी अपलोड की जा रही है, जो समस्तीपुर दरभंगा दोहरीकरण प्रक्रिया अपडेटेड है, जिस पे काफ़ी दिनों से काम चल रहा है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन या इस वीडियो के लास्ट एक प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके ऊपर करीब 30 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगले न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों, दानापुर टाटा एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को ICF से LHB में बदला जाएगा। LHB रैक में बदलने से यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल के दोमोहानी में गुरुवार को गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस के कुछ डब्बे पटरी से उतर गए। अरे उसको निकालो यार, हमारे तो डब्बा नहीं गिरेगा यार, जल्दी डब्बा नहीं गिरेगा, इसको उठा लेते हैं यार, इसको तो अरे उठाओ उठाओ यार, उठाओ यार, उठाओ, आराम से उठा लो, उठाओ 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 उठाओ, उतारो जल्दी उतारो, आराम से, धीरे से यार, धीरे से, पहले उसको लेके आना यार। रुक जा, एक सेकंड रुक जा, शांत रहो, उसको उठाओ, आराम से। इस घटना में कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 45 लोग घायल हो चुके हैं। लोकोमोटिव में गड़बड़ी के कारण दुर्घटना हुई। दोस्तों, अगर ICF कोच के जगह LHB कोच रहता तो शायद इतने लोग की जान जोखिम में नहीं होती, क्योंकि LHB कोचेज में एक दूसरे पर डिब्बे नहीं चढ़ते हैं। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने ICF कोचेज को LHB कोचेज में बदलने की योजना की है। सभी ट्रेन का लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले रेल न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों,
सप्ताह में अब केवल 3 दिन लखनऊ से नई दिल्ली के बीच दौड़ेगी तेजस एक्सप्रेस, क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच घट रही रेल यात्रियों की संख्या के कारण ट्रेन लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को चलाने का निर्णय लिया गया है। ये सिर्फ 25 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगी। अगले रेल न्यूज की बात करें तो दोस्तों, 21 जनवरी को मुरादाबाद स्टेशन पर विशेष किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें 53 TTE तथा 14 सुरक्षा बल कर्मियों ने 596 अनियमित यात्रियों के विरुद्ध अभियान चलाकर 3,22,825 का रेल राजस्व वसूला। साथ ही कोविड 19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। इसलिए मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूं कि बिना मास्क के कहीं भी सफर ना करें, प्लीज। अगले रेल न्यूज की बात करें तो दोस्तों, ट्रेन में रात को तेज म्यूजिक सुनने या शोर शराबा करने पर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले संडे को एक नए और ऐसे ही मज़ेदार रेल न्यूज़ के साथ।